इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसा खिलाड़ी जो बिजली के झटके से कैमंस का भी हवा टाइट कर देते हैं। और इलेक्ट्रिक ईल ही नहीं बल्कि इनके जैसे कई साथी हैं जो बिजली का खेल खेलते हैं। चाहे बात खुद को शिकारियों से बचाने की हो या फिर किसी जीव को अपना शिकार बनाने की हो, इनका इलेक्ट्रिक करंट अच्छों को घायल कर देता है। तो आखिर कौन सा वो क्रिएचर और कहाँ रहते हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी को हथियार के रूप में यूज करते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इलेक्ट्रिक रेज, वीडियो की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक रेज से, जिनके अंदर बिल्कुल किसी इंसान की किडनी के आकार के पार्ट्स मौजूद होते हैं और ये बिजली के झटके पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इलेक्ट्रिक रेज अपनी खास फीचर का इस्तेमाल शिकारियों से खुद को बचाने के साथ साथ शिकारियों को दबोचने के लिए भी करते हैं। साथ ही अपने अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक शॉक्स को जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 8 से 220 वोल्ट का करंट का डोज शिकारियों के साथ साथ खतरा महसूस होने पर इंसानों को भी दे सकते हैं। हालांकि इससे किसी इंसान का मौत तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी 220 वोल्ट का झटका एक जोरदार झटका माना जा सकता है। ओरिएंटल हॉर्नेट्स, अब इस वीडियो में हम जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं वह है ओरिएंटल हॉर्नेट्स। ये कीट न सिर्फ सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं बल्कि इनका धारीदार एक्सोस्केलेटन सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को बिजली में बदलने में पूरी तरह से सक्षम होता है। यहाँ एक तरह ओरिएंटल हॉर्नेट्स के पीले टिशू में पिगमेंट होते हैं जो प्रकाश को ट्रैप करते हैं, तो वही ब्राउन टिशू बिजली पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ओरिएंटल हॉर्नेट्स एकमात्र जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। हालांकि अगर वैज्ञानिकों की माने तो अभी तक यह बात पता नहीं चल पाई है कि ये जीव बिजली का उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ओरिएंटल हॉर्नेट्स बिजली का उपयोग अपने शरीर को ठंडा या गर्म करने के लिए कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स, इलेक्ट्रिक ईल अपने आप में एक बिजली का भंडार समेटे हुए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बिजली का भंडार। अपने शिकारियों को अंजाम देने के लिए और खुद को शिकारियों से बचाने के लिए ज़बरदस्त करंट का इस्तेमाल करती हैं। ये एक बार में 600 से 800 वोल्ट तक का करंट मारने का क्षमता रखती है, जो किसी भी जीव को परलोक सिधारने के लिए काफ़ी होता है। हालांकि ये बात सुनकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि हार्ड मांस का बना कोई जीव भला करंट कैसे मार सकता है। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक करंट इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोसाइट सेल में मौजूद होता है। जब ये ईल अपने शिकार पर निकलता है या फिर शिकारियों से जान बचाने की बारी आती है, तो ऐसे में ये इलेक्ट्रोसाइट सेल को उत्तेजित कर सकता है, जिनके वजह से ये सेल जबरदस्त करंट पैदा करते हैं। इनके बॉडी से निकलने वाला करंट इतना पावरफुल होता है कि इनकी चपेट में आकर मगरमच्छ जैसे विशाल और खतरनाक जानवर की भी मौत हो सकती है। इलेक्ट्रिक ईल की लंबाई 6 से 8 फीट तक होती है। इलेक्ट्रिक ईल दूसरी मछलियों को अपने डाइट में भी शामिल करना पसंद करती है। ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश, ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश फैमिली से संबंध रखने वाली ये मछलियाँ एक ट्रॉपिकल मछली होती हैं जो साउथ अफ्रीका के फ्रेश वाटर वाले इलाकों में वास करते हैं। यहाँ उनकी आबादी एमेजॉन बेसिन सहित वेनेजुएला से पराग्वे तक देखने को मिलती है। वैसे इनके नाक के ऊपर एक वाइट पट्टी और पूंछ पर वाइट कलर के 2 छल्ले होते हैं, जबकि बॉडी ब्लैक कलर की होती है। ये मछलियाँ पूरी तरह से निशाचर होती हैं और रात के समय में ही शिकार को अंजाम देती हैं। इसके साथ ही अपने डाइट में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, लार्वा और दूसरे कीड़े का पता लगाने के लिए अपने इलेक्ट्रिक जेनिक और इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करती हैं। हालांकि ये मछलियां कभी कभार आक्रामक रूप भी अपना लेती हैं और अपने शिकारियों के साथ साथ इंसानों को भी छोटा मोटा नुकसान पहुँचाती हैं, लेकिन इनके बावजूद भी अपने एक्वेरियम का शोभा बढ़ाने के लिए कई लोग इस मछली को पालतू बनाना भी काफ़ी पसंद करते हैं। स्टार गेजर्स, बड़े गोल शरीर, नुकीले दांतों के साथ बड़े आकार का मुंह और छोटी आंख, ये हुलिया है स्टार गेजर मछली का, जो इन्हें देखने में इलेक्ट्रिक फिश के सबसे डरावनी प्रजातियों में से एक बनाता है। लगभग 4 इंच तक के लंबाई वाले मछलियों का बॉडी कलर ब्लैक ब्राउन होता है, जबकि इनका गर्दन और पीठ सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, तो वही उनका मुंह ऊपर की ओर उठा होता है, जो इन्हें शिकार करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। ये मछलियाँ आमतौर पर यूएसए के पूर्वी तटों पर न्यूयॉर्क और नॉर्थ कैरोलिना के बीच पर पाई जाती है, जहाँ यह तकरीबन 120 फीट के गहराई में निवास करती हैं। ये मछलियाँ तकरीबन 50 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कैटफिश, ये मछलियाँ मूल रूप से अफ्रीका के समुद्री इलाकों में पाई जाती हैं, जो लगभग 4 फीट तक के लंबी हो सकती हैं और इनका वजन करीब 23 केजी के आसपास होता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो ये मछली पानी के अंदर करीब 10 साल तक जीवित रह सकती हैं।
इलेक्ट्रिक कैटफिश 450 वोल्ट या उससे भी अधिक इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने में पूरी तरह से एक्सपर्ट होती हैं और इसका इलेक्ट्रिक शॉक किसी भी इंसान को घायल कर सकता है। एलिफेंट नोज फिश। एलिफेंट नोज फिश एक ताजे पानी की मछली है जो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती हैं, और जैसा कि इस मछली का नाम सुनकर पता चलता है कि इसका नाक का बनावट काफ़ी हद तक हाथी के सूंड से मिलता जुलता है। यही वजह है कि इसका नाम एलिफेंट फिश रखा गया है। इस मछली के ऊपर साइंटिस्ट ने भी कई बार रिसर्च किया है जिसमें रिजल्ट निकलकर सामने आया है कि एलिफेंट फिश को अपनी आँखों से देखने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यही वजह है कि कुदरत ने इनकी पूंछ में कुछ ऐसा किया है जो इसे आसानी से देखने में मदद करता है। प्लेटिपस। ये जीव दिखने में काफ़ी अजीब सा दिखाई देता है। पहली नज़र में देखने पर लगता है कि इसका मुंह कोई ब्लैक कवर से ढक दिया हो। हालांकि इस जीव का पेट नहीं होता है, लेकिन ये अपने चोंच के जरिए तेज से झटके छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही प्लेटिपस के बॉडी में एक तरह का जहर भी पाया जाता है। हालांकि इस जहर से अभी तक किसी इंसान का मौत नहीं हुआ है। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्लेटिपस का जीवन काल करीब 17 साल तक का होता है, और यह पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकते हैं।